बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान गोरी अपने यूट्यूब चैनल अरसलान नामा के साथ। दोस्तों आज एक अहम खबर बताने के लिए मैं हाज़िर हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान में निगरान सेटअप की जो पेशकश है वो मुस्तरद कर दी है। ज़राए ने ARY न्यूज़ को बताया था कि साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान को सदर आरिफ अलवी और मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए पैगाम दिए गए थे। ज़राए के मुताबिक हालिया रबतों में इमरान ख़ान को 5 माह के निगरान हुकूमत का ऑप्शन दिया गया था, ताहम PTI चेयरमैन ने इस ऑप्शन को यकसर मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से इमरान ख़ान का कहना है कि आइन में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ मुकर्रा मुद्दत में नए इंतखाबात करवाना है। ज़राए ये भी कहते हैं कि पेशकश करने वालों के इमरान ख़ान से के साथ साथ नवाज शरीफ से भी बैकडोर रबते जारी हैं और हुकूमत इस ऑप्शन पर राजी थी, ताहम इमरान ख़ान की जानिब से इनकार ने सियासी सूरत हाल पर फिर सवालिया निशान लगा दिया है। ज़राए ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को मौजूदा सूरत हाल में मामूल से कुछ तवील अरसे का निगरान हुकूमत का सेटअप इसलिए मौजू लगता है कि वो महंगाई समेत अपनी इत्तेहादी हुकूमत की तमाम निगरानियाँ निगरान सेटअप के खाते में डालकर अगला इलेक्शन लड़ने की खां हैं। दोस्तों वाज़ह रहे कि इससे पहले भी जो है पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में दावा किया था कि नवाज शरीफ तवील अरसे के लिए निगरान हुकूमत के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इनकी जो ख्वाहिश थी वो इमरान ख़ान की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है और इमरान ख़ान ने पाकिस्तान में लंबे अरसे के लिए निगरान सेटअप की जो पेशकश है वो मुस्तरद कर दिया। और इमरान ख़ान का यही मुतालबा है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है वो जल्द अज़ जल्द इलेक्शन का ऐलान किया जाए ताकि जो है नई हुकूमत बने और उसके बाद जो पाकिस्तान मुआशी सूरत हाल में घिरा हुआ है और पाकिस्तान की सूरत हाल मखदूश होती जा रही है इसको बाहर निकाला जा सके। लेकिन जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है उनकी ख्वाहिश यह है कि जी अपना हम वक्त मुकर्रा पर इलेक्शन करवाएं और अपनी मुद्दत पूरी करें, क्योंकि उनको ख़तरा है कि अगर दोबारा इलेक्शन करवाए गए तो इस वक्त मुल्क में महंगाई का दौर दौर है और आवाम काफ़ी तंग आए हुए हैं महंगाई की वजह से, तो इनकी जो तमाम जमातें हैं उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये जमातें चाहती हैं कि या तो इलेक्शन ना करवाए जाएँ और निगरान सेटअप को दे दिया जाए। और अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि भाई निगरान सेटअप के ऊपर यानी कि ये मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों की जो हुकूमत है वो निगरान सेटअप पर डाल देगी कि बोझ जो है सारा वो इन्होंने ही उठाया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।